हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी स्विन पे। दोस्तों 27 अक्टूबर है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप के बी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023। तो यहाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 2022 में किसने होस्ट किया। तो दोस्तों इंडिया ने किया, और कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। कुछ दिन पहले हमने इसको कवर किया था। अब क्वेश्चन यह बनता है कि 2023 में कहाँ होने वाला है। तो ये ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल वियना है वहाँ पर होने वाली है। अच्छा, ये क्या होता है, क्यों जनरल है? देखिए, द जनरल असेंबली इज इंटरपोल्स सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एंड मीट्स वंस ए ईयर टू टेक की डिसीजन रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग। कैसे काम करेगी, सारा खाका यहीं तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन US करेंसी इन अक्टूबर 2022। तो निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली एशियाई अमेरिकी बनी है? यह है अन्ना मे वोंग। अन्ना मे वोंग का क्वार्टर डॉलर के ऊपर इनका पिक्चर छपा है, और ये जो है रिकॉग्नाइज्ड एज हॉलीवुड्स फर्स्ट एशियन अमेरिकन मूवी स्टार है हॉलीवुड की। शी एक्टेड इन ओवर 60 फिल्म अक्रॉस ए डिकेड्स लॉन्ग कैरियर। कुछ एशियन अमेरिकन पर्सनालिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उनको बॉक्स में लिया हुआ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं वहाँ वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु विल प्रेजेंट द सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड PBG एट ए सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक PBG को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर कौन भेंट करेगा? ऑफ कोर्स द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ही भेंट करेंगी। अगला क्वेश्चन है, द ओला कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर इन द कंट्री नेम्ड। क्या नाम है उस ओला स्कूटर का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है और सबसे किफ़ायती है? तो ओला S1 Air नाम है इसका। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस एक शोरूम कीमत होगी वो 85,000 होगी, और जैसा कि आपको पता है कि सब्सिडी हर एक गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नाम याद रखने हैं, ओला S1 Air। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ गूगल टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट। तो ये असम की गवर्नमेंट ने की है। असम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रोक देता हूँ थोड़ी देर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एंटी फायर क्रैकर कैंपेन, दिया जलाओ पटाखे नहीं। किस राज्य सरकार ने पटाखा विरोधी अभियान दिया जलाओ पटाखे नहीं शुरू किया है? ऑफकोर्स दिल्ली ने, क्योंकि इन्होंने बैन कर रखा है 1 जनवरी तक। आप सिर्फ दिया जलाइए, पटाखे जलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग जलाते हैं, लेकिन दिल्ली की हालत, हालांकि बैन था तब भी काफ़ी छुटे हैं, और पॉल्यूशन की स्थिति, मतलब सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है दिल्ली में, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब तो कुछ ठीक है 2-3 सालों से, जब से केजरीवाल गवर्नमेंट बैन लगा रही है पटाखे के ऊपर। इसके अलावा कुछ स्कीम जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी है वो हॉबी हब्स, माई EV पोर्टल, श्रमिक मित्र स्कीम, पर्यावरण साथी, चैटबॉट एंड वेबसाइट, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन बाय द US स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। US स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है स्वदेश चटर्जी। कौन है स्वदेश चटर्जी? चटर्जी को पिछले 3 दशकों में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इनको पद्म भूषण भी मिला था 2001 में। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी एक्स्ट्रा अवार्ड है, अदर अवार्ड जो मिला है वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। वैसे मैं एक रिवाइज करता हूँ, असमिज पोएट, असम के जो पोएट हैं नीलमणि फुकन,
उनको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 58th एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड हेल्ड इन लॉस एंजलिस इन अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR। जेनर फिक्शन फिल्मों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को ऑस्कर की दौड़ में पहला पड़ाव माना जाता है, तो ये ट्रिपल आर जो है उसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो सकता है शायद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा की थी, तो संगीता वर्मा को 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है, क्योंकि जो अशोक कुमार गुप्ता चेयरपर्सन थे वो रिटायर हो चुके हैं 25 अक्टूबर को, अब इनको 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं एक फुल टाइम चेयरपर्सन कब मिलता है हमें। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है आपके बॉक्स में, उसको आप एक बार रिवीजन कर दीजिए। एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको, चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ए बाला सुब्रमण्यम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF डॉक्टर अनिल कुमार, चेयरमैन एंड MD ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता, चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया NS राजना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हु हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द आदित्य L1 मिशन ऑफ इसरो। तो आपको पता होगा कि आदित्य L1 जो एक सोलर मिशन है वो इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया है शंकरा सुब्रमण्यम के को। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी फ़िलहाल शंकरा सुब्रमण्यम जो है सीनियर सोलर साइंटिस्ट हैं, कहाँ पे? URRAW सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं URSC। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसरो के बारे में बता ही देता हूँ। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, जो फाउंडर चेयरपर्सन थे चेयरमैन थे विक्रम साराभाई थे, अभी जो चेयरमैन है वो 10वें चेयरमैन है S. सोमनाथ, और जो इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर युवराज सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। दोस्तों फॉर ब्लाइंड 3rd T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ब्लाइंड के लिए, 2 हो चुके हैं, इस साल तीसरा होने वाला है। कौन होस्ट करेगा? इंडिया में होने वाला है, इंडिया में। कब होगा? दिसंबर में, 5 दिसंबर से 17 दिसंबर, 5th to 17th December 2022। कौन पार्टिसिपेट करेगा? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 2012। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब की हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टैटिक जी क्या छोड़ देते हैं, ये आर्टिकल से संबंधित है जो हम लोग के लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।